अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आज आपको अपने रॉ पैरेंट्स का सेटअप दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह ये फीमेल भी अंडों पे बैठी हुई है। ये मई के महीने में, आज डेट है 6, और हमारे पास ये बिल्कुल सीजन का एंड कर रहा है। आज मैं आपको अपने रॉ पैरेंट्स का और इसके बाद दिखाऊंगा अपना लोरी का बच्चा आया हुआ है वो दिखाऊंगा, और हमारे ग्रीन रिंग नेक के कुछ वहाँ पर हमने बच्चे रखे थे रिंग नेक के वो चेक कराऊंगा। माशाल्लाह इसका बच्चा भी बाहर आ गया अंडे से, ये आपके सामने मजीद इसके नीचे अंडे हैं, देखते हैं कल तक कितने बच्चे मजीद निकल आएंगे। माशाल्लाह इसके बच्चे भी आ गए हैं हमारे पास, और ये मजीद आपको दिखाऊंगा। ये हमारे इस फीमेल के ये तीसरा कलाई था, माशाल्लाह ये बाहर जा रही है। ये बच्चा आपको दिखाता हूँ, एक अंडा रखा हुआ है और ये अंडा सामने ही है, खराब है, लेकिन ये दूसरे कॉर्नर में मुझे बच्चा नज़र आ रहा है, इसको सीधा करके वहाँ रखता हूँ। माशाल्लाह ये देखें, ये माएँ इस तरह से इनके ये फोटा है, इस तरह से फीड कराती हैं। छोटा सा बच्चा है लेकिन उन्होंने इस तरह से कराया है कि इसका पोटा फुल है इस वक्त। बहुत अच्छी फीमेल है जो अच्छी तरह से इनको फीड करा रही है। माशाल्लाह ये देख सकते हैं, यहाँ पे दो बच्चे हैं, माशाल्लाह जी यहाँ पर भी हमारे पास आए हुए हैं तीन बच्चे। ये फीमेल यहाँ पर है, बाहर जा रही है बॉक्स से, और ये तीनों बच्चे मैं आपको चेक करवाता हूँ अभी, ज़रा उठा लेता हूँ बॉक्स के ऊपर रखूँगा। या ये पहला बच्चा, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक फीड कराई हुई है। हाँ जी, अब दूसरा बच्चा उठाएंगे, इसके भी पोटे का माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। दो बच्चे आ गए यहाँ पर, और अब ये तीसरा बच्चा उठा कर ले आता हूँ और आपको ये दिखाते हैं। तीसरा बच्चा माशाल्लाह जी, इसकी भी फीड ठीक कराई हुई है। ये तीन बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर इस बॉक्स में, माशाल्लाह जी। ये आखिरी क्लच चल रहे हैं क्योंकि अब गर्मियों के दिन हैं, गर्मियों के दिन शुरू हो चुके हैं, मई में यहाँ पर गर्मी स्टार्ट हो जाती है, और दिन में तो अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, रात में ये है कि अभी टेम्परेचर कम हो जाता है काफ़ी। और इस वक्त भी जो है इस शेड का जो टेम्परेचर चल रहा है, ये चल रहा है आपके सामने 35.4, और नमी का तो तनासब जो चल रहा है वो तो है 30 यहाँ चल रही है। ये देख लें कि इस वक्त 3:30 हो रहे हैं तकरीबन, और ये टेम्परेचर है आपके सामने, और सेकेंड टाइम स्टार्ट है, यानी इन तीन बच्चों के बाद मजीद आगे चलते हैं, और आप आगे चलते हो दिखाता हूँ मजीद हमारे पास कहाँ पर अंडे और बच्चे आए हुए हैं। माशाल्लाह जी इसने भी यहाँ पर हमारे ये रहा पर कि यहाँ पर एक केज खाली था तो इसका हमने यहाँ खेल दिया, और इसके भी तीन बच्चे आए हुए हैं ये सामने आपके। माशाल्लाह ये तीन बच्चे हैं, ये फीमेल है, इसका जो मेल होता है वो रेड हेड में, वो भी आपको दिखाता हूँ अभी। ये है इसका मेल जी, माशाल्लाह यहाँ पर भी एक राह का बच्चा आया हुआ है और अच्छी ग्रोथ कर रहा है माशाल्लाह। आगे चलते हैं मजीद, और चल के आपको मजीद दिखाते हैं आगे। यहाँ पर भी इस पेयर ने बच्चे दिए हुए हैं, इनके बच्चे आए हुए हैं, यहाँ पर दो बच्चे नज़र आ रहे हैं, और ये पेयर अंदर ही था, मेरे ऊपर चला गया इधर साइड पर, और ये दो बच्चे हैं इनके, ये फीमेल इधर है। मजीद आगे चलेंगे और दिखाता हूँ मजीद आगे किसकी चीज़ के बच्चे आए हुए हैं। माशाल्लाह इनके यहाँ पर आए हुए हैं तीन बच्चे, और अभी दो अंडे पड़े हुए हैं, इसका मेल तो अभी बाहर फिर रहा है, ये फीमेल इधर अंदर ही है। माशाल्लाह
और जब आगे वाले केज में आए तो यहाँ पर आए हुए हैं हमारे पास ये एक बच्चा आया हुआ है, अभी दो अंडे रखे हुए हैं। यहाँ पर अभी हमें चार अंडे नज़र आ रहे हैं और ये एक बच्चा निकला है पहला पहला। फीड तो अच्छी करवा रखी है इन्होंने, पोटा माशाल्लाह फुल है। आगे वाले केज में चलेंगे, यहाँ पर माशाल्लाह हमारे पास लोरीज का सेट है और यहाँ पर आए हुए हैं दो अंडे। मैं आपको ये लोरीज भी दिखाता हूँ जिनके अंडे आए हुए हैं। माशाल्लाह ये लोरीज का हमारा पेयर है जिसके अंडे आ चुके हैं। इस सीज़न में इसका दूसरी बार क्लच आया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार ज़रूर बच्चे निकलेंगे इनके। मज़ीद आगे दिखाता हूँ आपको चल के, यहाँ पर अंडे बच्चे आए हुए हैं आज वो केज में आपको दिखा रहा हूँ। जी माशाल्लाह इस पेयर का जो है हमारे पास बच्चा भी आ गया है और अभी एक अंडा रखा हुआ है और एक बच्चा आ चुका है माशाल्लाह। फीमेल है अंदर बैठी हुई है और इसका मेल अभी बाहर है, एग्रेसिव हो रही है कि कहीं बच्चे के करीब ना आओ। ये थोड़ा सा हाथ आगे लेके जाता हूँ तो हमला करने के लिए आ जाती है फौरन। चलें ठीक है, अच्छी बात है, अपने बच्चे का ख्याल रखो। आगे दिखाते हैं मज़ीद, ये हमारे कलर रिंग नेक के बच्चे आए हुए थे तो हमने यहाँ पर ग्रीन रिंग नेक के नीचे रखे हुए थे, जो काठे और देसी तोते कहते हैं उनके नीचे। माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर गए हैं और अनकरीब ये सेल्फ पे हो जाएंगे, खुद खाना पीना शुरू कर देंगे। मज़ीद भी कुछ हमने बच्चे और रखे थे, बाकी तो उठा लिए हैं, थोड़े से रह गए थे वो भी मैं आपको आज की वीडियो में दिखाता हूँ। माशाल्लाह यहाँ पर भी दो बच्चे हैं, ये भी हमने रिंग नेक के बच्चे रखे थे, एक वाइट है और दूसरा ब्लू रिंग नेक का था। माशाल्लाह ये भी सही ग्रोथ कर रहे हैं। ये माशाल्लाह सनकनोर के बच्चे थे और जो छोटे बिल्कुल हमने ज़ीरो साइज़ में उठा के रखे थे, बिल्कुल छोटे थे। और ये हमारे पास यहाँ पर रिंग नेक ने सनकनोर के बच्चों को पाला है, वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ये इस साइड पे ये बैठा हुआ है हमारा ये पेयर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा अंदर, तो ये पेयर है इसने इन बच्चों को जो है फीड कराई है और ये अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं माशाल्लाह। मज़ीद और देखते हैं, आगे चलते हैं। ये भी सनकनोर का बच्चा है जो हमने ग्रीन रिंग नेक के नीचे रख के रखा था और माशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। काफ़ी ऐसे हो रहे थे कि जो हमारे सनकनोर के पेयर बच्चों को फीड नहीं करवा रहे थे, कमज़ोर थे, उन्हें हमने उन बच्चों को उठाया और ग्रीन रिंग नेक के नीचे ले आए। इन्होंने इनकी अच्छी देखभाल की है, आपके सामने अच्छा रिजल्ट आया है। ये माशाल्लाह यहाँ पर भी हमने ये रिंग नेक के नीचे रखे हुए थे ये बच्चे और यहाँ पर ये एक बच्चा इधर है, तो यहाँ पर भी ये आप देख रहे हैं इनके बोलिंग के बच्चे आए हुए और बच्चे का साइज भी माशाल्लाह अच्छा हो चुका है। और इसी के साथ ही आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को पुश कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।